जी स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी के वर्ड्स पे आते हैं जी। आज अच्छा जी, वर्ड है जी कॉलरिक। कॉलरिक इसका मतलब है जी शॉर्ट टेम्पर्ड। लिख लें जी, कॉलरिक शॉर्ट टेम्पर्ड, इजीली मेड एंग्री, जिसको बड़े आराम से आप गुस्से में ला सकते हैं, ठीक है ना। और एक रुसीला बंदा, तेज मिजाज बंदा, अपने पास लिख लें रजिस्टर के ऊपर। वोकैबुलरी का एक डिफरेंट रजिस्टर बनाए। ही वॉज अ कॉलरिक सेल्फ इम्पॉर्टेंट लिटिल मैन। जेन वॉज कॉलरिक पर्सन एंड अ माइजर। ठीक है जी। अच्छा जी, Choleric. Choleric. कॉलरिक। कुछ रैंडम वर्ड्स को पूछूंगा मैं आप लोगों से। मैं फिर एक चीज रिपीट कर रहा हूँ कि इसको लिख लिया करें अपने पास। आप लिखेंगे तो उससे चीजें बेहतर हो जाएंगी। जी वाजिद साहब, ब्लाइट का बताएं मुझे। जी वाजिद, ब्लाइट का बताएं। सदफ आप मुझे बताएं। सेरेब्रल का कल आपने ऑफ किया था जी। यस सर, सेरेब्रल, सो सेरिब्रल इज लाइक ब्रेनी बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन. हाँ, समथिंग व्हिच इज कनेक्टेड विद योर ब्रेन। सेरेब्रल डिसीजंस, लाइक यू यूज योर माइंड एंड ब्रेन टू टेक सम डिसीजंस, राइट? सो दिस इज आवर। यस सर. ओके, सो टुडेज वर्ड इज कॉलरिक एंड द नेक्स्ट इज डेसिमेट। डेसिमेट इज जस्ट लाइक जीनोसाइड, मैसिव किलिंग ऑफ समबडी, सम पीपल। इट कुड बी टू किल लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया, राइट? इन एनी एरिया व्हेन यू किल प्लांट्स, एनिमल्स, सो डेसिमेट समथिंग, सीवियरली डैमेज समथिंग और मेक समथिंग वीकर। टू किल अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग और टू रिड्यूस समथिंग सीवियरली। सो थ्री डिफरेंट मीनिंग्स। वन इज टू रिड्यूस द पावर ऑफ समवन। सेकेंड, टू किल पीपल, टू किल एनिमल और टू किल प्लांट्स। सो वी विल यूज इन थ्री डिफरेंट वेज डेसिमेट। ओके, एनिहिलेशन, तबाहो बर्बाद कर देना। एनिहिलेटेड, तबाहो बर्बाद कर देना। एक्सटर्मिनेट, मैसाकार, जीनोसाइड, ठीक है ना। तो इस सब को हम लोग Decimate. डेसिमेट। Decimate. जी आज के दो वर्ड्स हमने किए हैं। डेसिमेट का वर्ड किया है, इसको लिख लें। कॉलरिक का वर्ड है, इसको लिख लें। और उसके बाद बाकी जो वर्ड्स हैं, जस्ट इसको मैं एक दफा स्पीड से जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ और फिर हम इंशाल्लाह, मैं चाह रहा हूँ कि आज हम कुछ आगे पढ़ें, कुछ आगे डिस्कस करें। एब्जेक्ट पॉवर्टी, ऑस्पिशियस मोमेंट, अबॉर्टिव कू, एब्रिज बुक, एब्सोल्यूट अथॉरिटी, बिक्वेस्ट फॉर चैरिटी, बरीव्ड फैमिली, बरीव्ड पर्सन, बरीव्ड चिल्ड्रन, ब्लैटेंट लाई, ब्लाइड बाय इंजरीज, बिकॉलिक सीन्स, कैटलिस्ट, ब्रिंग टू ब्रिंग चेंज, कैटेगोरिकल वर्डिक्ट, कैटेगोरिकल पोजिशन, कैटेगोरिकल स्टेटमेंट। एंड नेक्स्ट इज कैथोलिक, कैथोलिक सेक्ट ऑफ क्रिस्चैनिटी, सेरेब्रल, दिस पोएट्री इज मोर सेरेब्रल देन नेचुरल, राइट? कॉलरिक शॉर्ट टेम्पर्ड, कॉलरिक इज जो जल्दी गुस्से में आ जाता है। डेसिमेट, एक्सटेंसिव मैसिव किलिंग ऑफ पीपल। सो दीज आर द वर्ड्स, इनको हम आहिस्ता आहिस्ता याद भी कर रहे हैं, रिवाइज भी करते जा रहे हैं। सिर्फ आप क्लास रेगुलर लेते रहें, उससे आप देखेंगे कि चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी और इंशाल्लाह कुछ ही दिन बाद आपका एक बैंक ऑफ वोकैबुलरी विच यू कैन यूज इन योर कन्वर्सेशन एज वेल। अभी आपको फील नहीं हो रहा, बट इवेंचुअली यू सी के डॉन में, न्यूज़ में, नेशन में इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा। एजुकेशन का एक जो फंक्शन है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग होती है कि आप चीज़ों को एनालाइज कर सकें, आप कैटेगोरिकल चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें बेहतर तरीके से, आपको उनकी समझ आए, आपकी परसेप्शन ज़्यादा स्ट्रांग हो। परसेप्शन तो कुछ यूं समझें कि बंदा ज्यादा दूर तक देख सकता हो, जानता हो कि इस चीज के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और आखिर में क्या होगा।
ठीक है ना, हर बंदे की परसेप्शन डिफरेंट होती है, परसेप्शन बढ़ती है आपके बैकग्राउंड नॉलेज से, बैकग्राउंड नॉलेज से रीजनिंग बनती है, रीजनिंग से परसेप्शन बनती है। तो ये तीन चीज़ें आपस में, बैकग्राउंड नॉलेज बढ़ता जाता है तो आपके सोचने का अंदाज बढ़ता जाता है, और डीप थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं जी इडियोमेटिकल एक्सप्रेशंस के ऊपर और प्रोनंसिएशन पे। जी, इडियम्स में आजकल हमने किया था दैट्स अ गिवन और द ग्लास हाफ एम्प्टी। आज है हैमस्टर ऑन व्हील। हैमस्टर चूहे को कहते हैं, जब आप लिखेंगे ना हैमस्टर ऑन व्हील तो एक चूहा होगा जो दौड़ रहा होगा एक साइकिल के ऊपर, थिंकिंग दैट यू आर नो मोर इम्प्रूविंग। ये चीज सोचना कि आप इम्प्रूव नहीं कर रहे, यू आर स्टेगनेंट, यू आर नॉट मूविंग अहेड, कोई अच्छी चेंज नहीं आ रही, कोई प्लेजेंट चेंज नहीं आ रही, जहाँ पे खड़े थे वहीं पे खड़े हैं। तो चीज़ें जो सी है वो सेम है, उसमें कोई सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई सब्सटेंशियल चेंज आ नहीं रही। ये हर बंदा सोचता है, हमें लगता है कि जहाँ पे हम पहले थे हम वहीं पे खड़े हुए। इस फिनोमेना को थिंकिंग लोग यूज करते हैं, हैमस्टर ऑन अ व्हील। ठीक है जी, एक और इडियम देखते हैं, हेडोनिक ट्रेडमिल, विशिंग टू रीगेन समथिंग यू लेफ्ट इन द पास्ट। हेडोनिक ट्रेडमिल, इसका मतलब ये है कि आप पास्ट में, अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं हमारा वक्त बड़ा अच्छा था यार, वो टाइम बड़ा अच्छा था यार, उस टाइम में हमने बड़े मजे किए। ये जब वक्त गुजर जाता है बाद में, कोई अपने बचपन को याद करता है, कोई जवानी को याद करता है, कोई पिछली जॉब को देखता है, जो पाकिस्तान में रहते हैं लोग वो भी, मतलब जो बूढ़े हो जाते हैं तो अपने गांव की जिंदगी को याद कर रहे होते हैं, माँ बाप को याद करते हैं। तो इससे एक चीज पैदा होती है, नोस्टैल्जिया, नोस्टैल्जिया, NOS, या फीलिंग नोस्टैल्जिक, NOSTALGIC। नोस्टैल्जिक कहते हैं कि एम्बिवेलेंट, व्हेन यू फील, मतलब समझ नहीं आ रही, खुशी भी हो रही है गम भी हो रहा है। खुशी ये हो रही है कि आपको कुछ दोस्तों की याद आ रही है, आपने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, आपको अपने घर के बारे में, पुरानी यादों में आप चले जाते हैं कुछ कुछ थोड़े से टाइम के लिए। गम इसलिए होता है कि वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। अब एक टाइम इंसान की ज़िंदगी में ऐसा आता है उसे दुनिया से भी मोहब्बत खत्म हो जाती है, दुनिया में इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है, दुनिया के अंदर उसकी कोई चीज़ उसको कैप्टिवेटिंग कुछ भी नहीं रह जाता उसके लिए। क्यों? उसके दोस्त बाप चले जाते हैं, उसके माँ बाप चले जाते हैं, खुद भी वो वीक हो रहा होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जो इंसानी लाइफ साइकिल है, कि पहले बच्चा होता है इंसान, फिर उसके बाद वो ताकत पकड़ता है, और ताकत पकड़ के जवान हो जाता है, जवानी के बाद फिर अल्लाह ने फरमाया, मैं सुन रहा था कि वीक होता है वो दोबारा से, बुढ़ापा नहीं, जवानी और बुढ़ापे के दरमियान में एक फेज आता है कि दोबारा से वो वीक होता है, कमजोर होता है, अब उसके अंदर ताकत उस तरह नहीं रहती, फिर आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापा आ जाता है और फिर वो खत्म हो जाता है। तो ये एक साइकिल है, लाइफ साइकिल है। तो हम लोग देखते हैं आपके ब्रेन भी वो होते हैं। तो ये जो नॉस्टैल्जिक है ना, तो उसमें हर बंदा चाहता है कि उसकी जो यूथफुल विगर है वो सस्टेन हो, वो ज्यादा देर तक रहे, वो चेंज ना हो। बहरहाल इसके लिए लोग ये कहते हैं कि यू नीड टू हैव सम पर्पस इन योर लाइफ। जिन लोगों की ज़िंदगी में कुछ मकसद होता है वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहते हैं। और एक और चीज़ जो उनकी है वो ये, पर्पस के बाद बुढ़ापे में जो सबसे बड़ी तकलीफ होती है, जो आपके माँ बाप को भी है अगर जो जिंदा है, या अगर नहीं है तो आप लोग उनको पता लगेगा बाद में, वो होती है सोशल आइसोलेशन। आपसे बात करने को कोई तैयार नहीं होता, आपके साथी वगैरह फोत हो जाते हैं, जो दाएं बाएं लोग होते हैं वो, उनकी डेथ हो जाती है अक्सर की, जो दोस्त आपसे मिलते हैं बैठते हैं, अब आप अकेले रह जाते हैं, बच्चे आपके पास बैठते नहीं हैं, उनके अपने कंसर्न्स होते हैं, आपकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता, कि लोग आपको फॉलो नहीं कर रहे होते, वो कहते हैं एक ऑर्डिनरी पर्सन है, इसके पास बैठ के टाइम जाया करना है। फिर आप अकेले बैठे होते हैं, थोड़ी देर के लिए कोई आया 5 मिनट के लिए बैठ के चला गया, और उसके बाद फिर, तो ये सबसे ज़्यादा जो बाकी तकलीफों के साथ जो वो तकलीफ है वो यही है कि आप जो आइसोलेशन है, सोशल आइसोलेशन,
इसलिए कहते हैं कि जिसने सुबह माँ बाप की ज्यारत की उसको सवाब मिलता है। कुछ भी ना करें जाके देख लें, कुछ भी ना करें उनके पास बैठ जाएं, कुछ भी ना करें अपने टाइम का एक वक्त दिन का एक ऐसा हिस्सा निकालें कि जो उन लोगों के पास बैठ जाए। ये जो एक्टिविटी है इसका अल्लाह ताला ने बताया कि इसका सवाब मिलता है। और बहरहाल दो तीन वर्ड हमने सीखे हैं, एक तो नोस्टैल्जिया और नोस्टैल्जिक, हेडोनिक ट्रेडमिल और हैमस्टर ऑन व्हील, व्हेन यू फील स्टैगनेंट, के जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे खड़े हैं, कोई चेंज आपकी लाइफ में नहीं आ रहा। तो आगे चलते हैं। अच्छा जी, जो लास्ट 25 है उनको भी जरा रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे भी चलते हैं जी। अब तक जो हम कर चुके हैं शुरू से, मैं 26 टू ऑनवर्ड पहले डिस्कस कर रहे थे, शुरू से मैं डिस्कस करता हूँ। अपने माइक को ऑफ करके आप भी पीछे से थोड़ा सा वोकलाइज करें। वर्ड इज प्लेजर, मेजर, ट्रेजर, एडोलेसेंट, लॉन्जेविटी, कॉन्शियस, पर्टिकुलर, एंटरप्रेन्योर, अल्टीमेट, अल्टरनेटिव, बफे, मील, नेक्स, फ्रेंड्स, हैंड्स, परसिवेरेंस, सगेशियस, फैस्टिडियस, मैनिपुलेट, ऑल, फॉल, हॉल, मॉल, कॉल, टॉल, ऑल्सो, एंड, एंड, यू एंड मी, ही एंड शी, टेबल्स एंड चेयर्स, ऑफ, दिस चेयर, दिस बुक इज मेड ऑफ, और दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, वॉज, सेज, दे, टुडे, ए, वे, फील, डील, रिवील, मील, हील, रियल, जियल, फोटोग्राफी, मल्टीनेशनल, पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट, टॉर्टेस, टॉर्टेस, वाउल, फाउल, वाउल, फाउल, आए, माए, वाए, एकेडमिक, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, वेजिटेबल, कंफर्टेबल, एकेडमिक, वेजिटेबल, वेजिटेबल, इनएविटेबल, वेजिटेबल, इनएविटेबल, ऑटम, 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 सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, फॉर, शॉर्ट, फॉर, शॉर्ट, फो, फो कहते हैं बेसिकली, आर नहीं बोलते, ए आर ओ आर यू आर ई आर को, एंड शॉर्ट। अच्छा जी, पाकिस्तानी आपके साथ कोई बोलेगा पाकिस्तानी एक्सेंट में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप उसके साथ ब्रिटिश एक्सेंट में बात करें, ब्रिटिश प्रोनंसिएशन के बाद साथ बात करें। लेकिन जब आप लिसनिंग करते हैं ब्रिटिश एक्सेंट में और आपको इस चीज़ पे कमांड होती है, तो फिर आप फौरी तौर पे आपका एक्सेंट चेंज हो जाता है, आपकी प्रोनंसिएशन चेंज हो जाती है। किसी नेटिव से बात करेंगे तो चेंज हो जाएगी, पाकिस्तानियों से बात करेंगे तो पाकिस्तान की, हमारा ब्रेन जो काम करता है वो बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो हम सुनते हैं उसी उसी के साथ सिंक करके अपने आप को बोलते हैं। तो ये एक साइकिल है, इस तरीके से हम लेके चल रहे हैं, तो इसको अपने माइंड में रखें। चलें जी आगे चलते हैं। आज मैं आपको आज हम थोड़ा सा बात करेंगे नाउन फ्रेज के ऊपर फर्दर। नाउन फ्रेज के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन, ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है। और या आर्टिकल और नाउन होता है, अगर दो वर्ड हैं तो आर्टिकल और नाउन होंगे। जैसे मैं कहता हूँ आज आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाए हैं, जैसे वो मैंने
उसको कहा था। आप में से यजदान आपने मेरे ख्याल में काम नहीं किया। ये देखें जी, ये उसामा ने कुछ सेंटेंसेस बनाए। पहले उसने लिखा था कैट इज इन द रूम, तो वो गलत होगा, आ कैट। अब ये जो आ कैट, ये दो वर्ड है ना, ये नाउन फ्रेज है। एक इसमें आर्टिकल है और एक इसमें नाउन है। आर्टिकल हमारे पास फोर आर्टिकल्स मौजूद है। आर्टिकल कितने? फोर है जी। नंबर वन ए, एंड द, और जीरो। जीरो का मतलब नो। अगर किसी जगह पे कुछ नहीं लिखा, जैसे मैं कहता हूँ कैट्स, अब ये कैट्स एक नाउन नाउन है बेसिकली। कैट्स, कैट्स प्लूरल है, ज्यादा बिल्लियों की बात हम कर रहे हैं। अब इसके पीछे आप एक माइंड में एक तखयलात के अंदर बनाएं कि यहाँ पे एक आर्टिकल लगा हुआ है, नजर नहीं आ रहा हमें आर्टिकल क्या कौन सा, जीरो आर्टिकल है। ये जीरो आर्टिकल क्यों लगा हुआ है? जीरो आर्टिकल इस वजह से लगा हुआ है कि एक कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन के साथ ये प्लूरल है। ये काउंटेबल जरूर है, गिन सकते हैं बिल्लियों को, लेकिन ये प्लूरल है तो इसके साथ जीरो आर्टिकल लग गया। अच्छा जी, उसके बाद हम कहते हैं आ कैट। अगर मैं खाली कैट लिखूंगा तो ये गलती है, इसको आपने कभी भी कंसीडर नहीं करना कि आपने इसको वैसे ठीक लिखा है, इसको आपने मिस्टेक के तौर पे कंसीडर करना है। और यहाँ पे आ कैट आएगा। आइल्स में या बड़े टेस्ट जो होते हैं तो उसमें उसको सीरियस लिया जाता है इन इश्यूज को, तो वैसे हम लोग कहते हैं कोई मसला नहीं। अच्छा जी, वापस आते हैं। उसके बाद अ पेंसिल इज इन माई हैंड, अ कैप इज ऑन द हेड, द बर्ड्स आर ऑन द ट्री। यहाँ पे बर्ड्स आना था, द उसने लिख दिया। अ स्टिक इज इन द इन हिज हैंड, अ हैन इज डाउन टू, अ हैन इज अंडर द चेयर आएगा, डाउन टू चेयर नहीं आएगा। हिज ब्रदर इज एप्पल्स, एक ब्लॉक लेटर में आएगा, एप्पल्स आर ऑन द टेबल। अ काउ इज एन अम्ब्रेला, अ माउस इज डॉग, इज द डॉग बिहाइंड द चेयर, इज आर डॉग बिहाइंड द चेयर। क्या एक कुत्ता कुर्सी के पीछे है? इज आर डॉग, अगर किसी स्पेसिफिक डॉग की बात हो रही है तो फिर हम दा की बात करते हैं। इस पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे उस वक्त तक जब तक आपकी फुली अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन जाती। तो बस आपने ये फिलहाल याद रखना है कि नाउन फ्रेज के अंदर दो चीजें मौजूद हैं। नाउन फ्रेज जो है उसके अंदर या तो आपका आर्टिकल और नाउन होगा, आर्टिकल होगा और नाउन भी होगा। नाउन तो है ही है ना, तभी तो उसका नाम नाउन फ्रेज है, जरूरी नहीं एडजेक्टिव हो। अगर एडजेक्टिव उस वक्त होगा जैसे कि आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन। आज हम बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं जी डिस्कशन आर्टिकल्स के ऊपर। ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी गलती है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसको गलत यूज करते हैं। जरा इसकी डिटेल में चलते हैं, इसको देखते हैं। आइट्स की जो क्लास में मैं पढ़ाता था, इस क्लास में जरा ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग जो से इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें और साथ साथ प्रैक्टिस भी करें। मैं कुछ आपको एक्सरसाइजेस भी दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की। इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर दो आर्टिकल्स हैं, ए आर्टिकल और एन आर्टिकल। ए और एन हमें पता है आम रूटीन में, ए का मतलब एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है। कुछ वाउल साउंड से पहले आते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं वाउल साउंड्स की, तो वाउल साउंड्स कौन से होते हैं? ऐसे साउंड्स जो कि जब हम अपने हल्क से कोई आवाज निकालते हैं। अच्छा, इनका ताल्लुक ना वर्ड और लेटर के साथ नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा, ये आवाजों के साथ है। आवाज जब हम बाहर निकालते हैं, हमारे पास दो तरह की आवाजें होती हैं, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट और वाउल्स। वाउल में भी आगे शॉर्ट वाउल्स, लॉन्ग वाउल्स, डिफथोंग, ट्रिफथोंग, आगे चार इसमें काइंड है, शॉर्ट वॉल्स, लॉन्ग वॉल्स, डिफथोंग और ट्रिफथोंग, इसके अंदर इस तरीके से होती है।
लेकिन चलें स्टार्ट करते हैं। अब वाउल साउंड्स कौन सी होती हैं? ऐसी साउंड्स जैसे मैं कहता हूं ए ए ए ई ओ उ ए। अब ये ए ई ओ उ, जब मैंने ये साउंड्स बोले तो कोई भी आर्टिकुलेटर, आर्टिकुलेटर कहते हैं हमारे ओरल कैविटी के अंदर, हमारे मुंह के अंदर जो कुछ चीजें हैं, जैसे एल्वियोलर है, पैलेटल है, लिप्स हैं, दांत आपस में, डेंटल है, ठीक है ना, उसके अलावा एप्पल कॉर्ड है, कोई साउंड बाहर आ जाए, आपस में कोई भी टच ना हो, दांत जबान के साथ होंठ आपस में टच ना हो, जैसे जैसे अगर होंठ आपस में होते हैं ना टच, तो जो वर्ड्स बनते हैं ना, तो उन्हें कहते हैं हम लोग बाइलेबियल। बाइलेबियल तीन तरह के साउंड्स होते हैं, ब ह म, ब ह म, कोई और इसके अलावा साउंड नहीं है जो होंठों के टच होने से निकलता है, उसके फिर बाकी मखरज डिफरेंट होते हैं उनके, तो ये जो तीन साउंड्स हैं इनको ब फ म, ये सारे बाइलेबियल कहलाते हैं। ये बाइलेबियल के अंदर भी दो साउंड हैं, एक साउंड नेजल है, यानी उसकी नाक में से भी आवाज निकलती है, बा, ये देखे बा फा, बा फा। अब फा जो है ना ये प्लोसिव है, झटका लगता है, फ फ। बा जो है ना ये है तीनों बाइलेबियल, बा फ म। अब जो मा है वो नेजल है, बा नाक को दबाए बा क्या निकल आएगा, फ निकल आएगा, माँ कहेंगे तो नाक की से भी आवाज आ रही है, तो इसका मतलब है, लेकिन तीनों जो उनसे हैं बाइलेबियल साउंड है, और ये तीनों कॉन्सोनेंट है, इसके अलावा भी कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स तो काफी हैं। कॉन्सोनेंट की डेफिनेशन यही है कि जब एक साउंड निकलते हुए कोई हमारे आर्टिकुलेटर्स टच हो जाए आपस में, तो वो साउंड क्या कहलाता है, वो कॉन्सोनेंट कहलाता है, और वाउल साउंड होते हैं जब ना हो। अब इसकी कुछ मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, आ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब ये वैसे तो पुराने फार्मूले के तहत आपको यहाँ पे लिखना चाहिए एन यूनिवर्सिटी, अब एन यूनिवर्सिटी तो नहीं आ रहा, आ यूनिवर्सिटी आ रहा है। अच्छा चले, एन F-16 ऑफ पाकिस्तान, अब पुराने इस फार्मूले के तहत तो यहाँ पे AF-16 आना चाहिए था, ये NF-16 क्यों आ रहा है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम साउंड निकालते हैं ना एफ की, तो शुरू में ए साउंड निकलती है, फा नहीं निकलती, फैन होगा तो ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब एम हो गया, एन हो गया, एफ हो गया, इनके शुरू में अगर उर्दू में लिखें तो अलिफ ये आता है और ये ए की आवाज निकलती है, जब ए जो है खुद से वो वाउल साउंड है, तो जब वाउल साउंड शुरू में आ गया तो एन आएगा, NF-16। इसी तरह ये यू जो है ना, यू ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आ यूनिवर्सिटी, अगर होता है ना आ साउंड निकलता है, जैसे अम्ब्रेला, अम आ शुरू में, तो एन अम्ब्रेला आना था, बेशक यू से स्टार्ट हो रहा है वो। तो आपने साउंड पे तवज्जो देनी है, कुछ साउंड्स हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग है, जिसमें हमें समझ नहीं आती, अदरवाइज 99% जो बाकी हैं वो उसी तरह ही हैं जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं बस, और ए और एन के जो रूल्स हैं लगाने के वो सेम हैं दोनों के। अब क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, एक तो ये है कि वो हो जो जहाँ पे हम ए या एन लगाएंगे वो होगा सिंगुलर, दूसरा काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक तो शर्त यह है कि वो गिना जा सकता हो, कोई ऐसी चीज ना हो जिसकी गिनती मुमकिन नहीं, दूसरी शर्त यह है कि वो हो भी वाहिद, जैसे ट्यूबलाइट है ना, तो ट्यूबलाइट को गिन सकते हैं, तो ट्यूबलाइट्स, अगर ट्यूबलाइट है तो आ ट्यूबलाइट आएगा, आ ट्यूबलाइट या ए ट्यूबलाइट हम लोग यूज करेंगे, ए का वर्ड यूज करेंगे, लेकिन अगर हम लोग वाटर की बात करते हैं तो फिर हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वाटर गिना नहीं जा सकता, पानी को गिन नहीं सकते, मेजर करते हैं हम लोग लीटर के अंदर, मेजर कर लेते हैं कितने लीटर पानी है, लेकिन उसको गिन नहीं सकते। तो यहाँ पे दो शर्तें हैं,
कोई भी वर्ड है चाहे वो किस तरह का भी है, अगर हमने ए या एन लगाना है उससे पहले तो हमने ये देख लिया। अच्छा, ये लगता कॉमन नाउन से पहले आई, दो चीजों के साथ अक्सर कॉमन नाउन, आम चीज हो, जैसे बिल्लियां तो कई तरह की हैं, पर्शियन है और भी पता नहीं क्या क्या इनकी किस्में हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आप अ कैट, ठीक है, अ कैट कॉमन नाउन है। इसी तरह अ चेयर, कई तरह की चेयर हैं, हम एक चेयर की बात करें। अ टेबल, एन एनिमी, एक दुश्मन, तो ये सारी चीजें गिनी जा सकती हैं और हम इनके साथ लगाते हैं। ये आर्टिकल हम उस वक्त लगाते हैं जब आप अक्सर अपनी बात करते हैं प्रोफेशंस की। जब आप कहेंगे ना आई एम एन इंजीनियर, शी इज अ हाउस वाइफ, ही इज अ डॉक्टर, माई ब्रदर इज एन आई टी प्रोफेशनल, एन आई टी प्रोफेशनल, आ डॉक्टर, आ हाउस वाइफ, एन इंजीनियर, अ मेसन, ठीक है ना, अ कॉबलर, ठीक है, अ वुड कटर, अ टीचर, एन इंस्ट्रक्टर। तो कुछ भी जब कोई पेशा आएगा तो उसके साथ आप ए या एन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। एक तो चीज ये जहन में रखें, असूल वही है कि सिंगुलर काउंटेबल हो, पेशे में भी टीचर्स आ जाएंगे तो नहीं लगेगा, डेफिनेटली सिंगुलर काउंटेबल हो आगे चल के, जो पहली चीज है ये। जब हम किसी चीज को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लोगों को पता नहीं है उसके बारे में, किसी चीज को हम बताएंगे फर्स्ट टाइम, जैसे मैं कहता हूँ आई विल टेल यू, आई विल टेल यू एन इम्पॉर्टेंट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ऑफ टू ब्रदर्स, मैं आपको एक दो भाइयों की कहानी सुनाता हूँ या सुनाऊंगा। अब यहाँ पे एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, अगर इंटरेस्टिंग का वर्ड ना हो तो फिर आ स्टोरी ऑफ टू ब्रदर आ जाएगा, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव आ गया, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये तीनों मिलके एक बन गया नाउन फ्रेज। ये तीनों यही थी ना हमारी शर्त। इसी तरह टू ब्रदर्स जो उनसे हैं ये बन गए नाउन फ्रेज, और ये जो आई है ये प्रोनाउन है बेसिकली। तो आई विल टेल यू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स, इस तरीके से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। कल कुछ मजीद बात करेंगे ए और एन के ऊपर, और उसके बाद फिर जो मेन आर्टिकल है वो हम द आर्टिकल की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और जो स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये ज़रूरी है, इसके बगैर नंबर कटेंगे, इसका आना बेसिक चीज़ों में से है। अगर आप ये सीखेंगे नहीं तो आप अगर बड़ा कोई पेपर देने जाएंगे पाकिस्तान से बाहर तो वहाँ पे इसको सीरियस लिया जाएगा, मतलब चेंज हो जाता है, मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है अगर एक आर्टिकल चेंज हो जाए, ठीक है। तो चलेंगे इंशाल्लाह, कल मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़। अच्छा एक सेकंड, मैंने आप लोगों का किसी ने काम किया हुआ अपना, जो चेक नहीं किया मैंने अभी। ये किसी ने काम होमवर्क किया हुआ आप में से? अस्सलाम वालेकुम। नहीं सर, नहीं किया, आज नहीं किया, समझ नहीं आ रही थी सर, वो थॉट्स नहीं डेवलप हो रही थी। तो चलें कल डिस्कस कर लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट था जो मैं आज करवाना चाह रहा था। ओके, अल्लाह हाफिज़।